आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। आज अपनी इस वीडियो में एक नया प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, कृत्रिम वीर्य सेचन से आपका क्या तात्पर्य है। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए पहले जानते हैं कि कृत्रिम वीर्य सेचन होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है हम करते क्या है, एक ऐसा तरीका होता है, एक तरीका आर्टिफिशियल मेथड होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड होता है। कैसे आर्टिफिशियल होता है, चलिए उसके बारे में जरा थोड़ी चीज़ें जानते हैं। इसमें नर से उसके शुक्राणुओं को लेके शुक्राणुओं को निकाला जाता है, नर के शुक्राणुओं को निकाला जाता है। उन जो शुक्राणु, वो जो निकाले गए शुक्राणु जो हैं, उनका इसका उनमें इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, इसे एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए इसमें प्रोसेस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला प्रोसेस हमने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर निकाला। और शरीर से बाहर निकालने के बाद हमने क्या करा, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। टेस्ट ट्यूब से डालने के बाद हम इस प्रोसेस में अब क्या करेंगे, इसे आर्टिफिशियल तरीके से इसे योनि में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे, योनि में डाल देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तरीके का प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि हमने क्या करा, पहले शुक्राणु को शरीर से बाहर निकाला, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर उसे आर्टिफिशियल तरीके से हमने क्या करा, योनि के अंदर भीतर क्या करा दिया, मिलवा दिया। फिर उससे क्या होगा, उससे जो ये शुक्राणु होंगे और जो योनि के अंदर जो होगा, इससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये क्या होगा, एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। तो चलिए जरा मैं अपने ऑप्शंस देख लेता हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा है स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को सीधा ही अंडाशय के भीतर डालना। यहाँ पे अंडाशय की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जब बात हो रही है योनि की बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को ऐसी परक नली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद हो, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है कि पति के शुक्राणु को ऐसी परख नली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद हो, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए समय में अंडाणु दे रखे हमें, और अंडाणु से हमें मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, हमें योनि के यहाँ से मतलब है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा आंसर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें अब आपको अच्छी तरीके समझ में आई होंगी। हमारा सही उत्तर जो है आया है, हमारा जो सही उत्तर जो है निकला, वो निकला ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।